तो अभी हम लोग इधर ये माथे पे रुके हुए हैं, रियाद में ही है। अभी देखो मीटर चल रहा है उधर, अभी टंकी फुल करा रहे हैं। देखो वो टंकी फुल होने वाली है, फुल हो जाती है तो फिर बेहतर है, क्योंकि हम लोग मदीना वाले रास्ते पर ना ज़्यादा माता नहीं है, और जो माता है तो बहुत दूर है, काफ़ी दूर दूर पे है, तो टंकी फुल रहेगी सही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आज मेरी ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे दुरुस्त होंगे। तो अभी हम लोग का सफ़र स्टार्ट हो गया है, सफ़र स्टार्ट किया, अभी हम लोग सफ़र ख़त्म भी होने वाला है। तो अभी हम लोग मदीना पहुँचने वाले हैं, अभी जा रहे हैं पहले मदीना से फिर निकलेंगे, फिर जाएंगे मक्का में। और अभी हम लोग तकरीबन 500 किलोमीटर आ गए हैं माथे पे इधर, और शहरी का टाइम भी हो गया है, अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 3 बजने वाला है, तो शहरी का टाइम भी हो गया है। तो शहरी उरी करके फिर आराम से हम ये माथे से फिर निकलेंगे, यहाँ से तकरीबन 265 किलोमीटर अभी बाकी है मदीना, ठीक है ना दोस्तों। और ये देखो ये माथा है कुछ ऐसा, आपको दिखाता हूँ ये माथा, ये देखो ये माथा है, देख रहे हो। और ये मस्जिद है, यहाँ पे अभी थोड़ा सा नमाज वमाज पढ़ा जाएगा, फिर यहाँ से फिर निकला जाएगा। और होटल है बिल्कुल नॉर्मल होटल है, वहाँ पे कुछ है नहीं यार। और आपको पता है ये अलकसीम वाले रोड पे, जब भी अलकसीम से अगर जा रहे हो मदीना वाले रोड पे ना, तो यहाँ पे माथा बहुत कम मिलता है, अलकसीम के बाद से माथा है ही नहीं, 200-150 किलोमीटर पे माथा है। तो अभी हम लोग रुके हैं अभी इसके आगे, क्योंकि हम लोग का पेट्रोल ही ख़त्म हो गया था। तो चलो मिलते हैं आपसे फिर मदीना में, है ना। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए इधर, एक माथे में बैठे हुए हैं अभी इधर, हम लोग इधर खाना वाना खाएंगे, शेयरिंग करेंगे, एक होटल में बैठे हुए हैं, ऑर्डर कर दिए हैं सब्जी का और उसका, उसके बाद शेयरिंग करके फिर यहाँ से फिर निकलेंगे। तकरीबन 160 किलोमीटर और बाकी है मदीना, फिर वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको मदीने में, ठीक है ना दोस्तों। और देखो इधर साहिद भाई है, तनवीर है, जैकी भाई गए अभी हमाम, अभी हमाम से आते हैं तो फिर सोफरा पे बैठते हैं। तो देखो माशाल्लाह सब लोग शेयरिंग उरी कर रहे हैं, है ना, देख लो। देखो अभी देखो टाइम कितना हुआ है, अभी देख लो 4:10 हो रहा है ना, तो अभी शेयरिंग का टाइम हो चुका है। तो दोस्तों देखो अभी ये आ गया मटर आलू है, और ये माश है कोई, ये उरद की दाल है, हम लोग इसको उरद बोलते हैं, उरद की दाल है, और आलू मटर है, और रोटी है। अभी हम लोग जक्की भाई का इंतजार कर रहे हैं, जक्की भाई अभी आए नहीं, आते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, देखो अभी 4:13 हो रहा है, 23 मार्च। और हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से और हमारे यूट्यूब चैनल की फैमिली की तरफ से रमज़ान मुबारक, और बहुत मुबारक महीना आ गया है। आप लोग भी रोज़ा नमाज कीजिए और तिलावत कीजिए और दुआ कीजिए, ठीक है, ताकि ये जो रमज़ान का महीना है अच्छे से गुजर जाए। तो दोस्तों अभी हम लोग मस्त अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना खा लिए, नमाज वमाज पढ़ लिए, नियत वत कर लिए, फजर की नमाज़ हो गई हम लोग की। हमने तो सोचे थे कि फजर की नमाज़ मदीना में चल कर पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ना 9 वहाँ से निकले रियाद से, हम लोग 9 के बाद ही हम लोग निकले रियाद से। तो अभी 1.5 घंटे का और रास्ता बचा हुआ है, तो इंशाल्लाह पहुँचेंगे मदीना, फिर मदीना पहुँच के आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। आप खुद ज़्यारत करेंगे, आपको भी ज़्यारत कराएंगे इंशाल्लाह, और दुआ कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों, दुआ कीजिएगा कि हमारा सफ़र अच्छे से हो जाए और उम्रा भी अच्छे से हो जाए, अल्लाह ताला कबूल कर ले हमारा उम्रा, और सही सलामत हम लोग वापस घर पहुंच जाएं फिर। और अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, मैं तो यही दुआ करूंगा कि जितने हमारे मुसलमान भाई हैं सबका रमज़ान का महीना सबसे अच्छा जाए, जो इससे पहले वाला जो गया था उससे अच्छा ये वाला जाए, मेरी यही दुआ है कि सबको अच्छा सुकून से, अमन सुकून से पूरा रमज़ान पूरा गुजर जाए, है ना दोस्तों। तो चलो मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।